टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन है, एक्सरसाइज 5.2 है। फैक्टराइज एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर माइनस थ्री। पीछे हमारे पास क्या था कि वो हमारे पास सिंपल था, हमने उसको कॉमन लेकर इसको हल किया। अब हमारे पास क्या है, तीन टर्म है, हमने इसमें से फैक्टर बनाना है, इसमें हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है और कुछ माइनस करना है, जिससे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर माइनस थ्री है क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 5.2 का। अब क्या करना है हमने इसमें, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर माइनस टू माइनस वन। देखिए अब हम फार्मूला पूरा करते हैं, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी और माइनस वन है ये, तो इसमें हमारे पास ये देखें ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस टू ए बी, दोनों इकट्ठे करें, दोनों इकट्ठे कट हो जाएंगे माइनस टू और माइनस वन। तो इसमें हमारे पास ये यहां से लेकर यहां तक फार्मूला पूरा हो जाएगा। पहले मैं इसको टू, अगर देखें दोनों को इकट्ठा करें एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर विद आउट पावर के, दोनों कट हो जाएंगे, अकेला टू बच जाएगा। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर। ये यहां तक एक फार्मूला बन गया और वन का स्क्वेयर वन नहीं होता है, वन की पावर जो मर्जी हो जाए। अब देखें ये हमारे पास दो स्क्वेयर है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, ये वैसे बगैर पावर के, फिर माइनस वन और अगेन एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है थ्री एक्स फोर प्लस ट्वेल्व बाय फोर। अब देखिए इनमें सिर्फ क्या है, थ्री कॉमन है, थ्री हमारे पास बाहर आ गया, ये बन गया एक्स फोर प्लस फोर वाई स्क्वेयर, ये भी स्क्वेयर और वाई फोर आ जाएगा। अब ये भी स्क्वेयर का स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, तो हम इसको लिखेंगे थ्री वैसे ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, फार्मूला क्या आएगा प्लस टू ए बी, तो प्लस बन जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि हमारे पास दो थे अब ये तीन हो गए हैं, हमने ये प्लस भी कर दिया माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब ये हमारे पास ये आ गया क्योंकि ये जो थ्री है ये सबका कॉमन है। अच्छा अब देखें ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर दिस इज द होल स्क्वेयर माइनस दिस इज टू एक्स वाई होल स्क्वेयर, और ये कलो ब्रैकेट में ये थ्री बाहर आएगा। अब देखिए ये हमारे पास दो स्क्वेयर है, एक स्क्वेयर ये है ब्रैकेट में एक ये है, थ्री वैसे एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई है, बल्कि इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अब उसके बाद ये प्लस क्या था तो माइनस आ गया, अब दोबारा यही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस कर लिया तो प्लस टू एक्स वाई और ब्रैकेट में ये हमारे पास थ्री, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है ए फोर प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस फोर बी फोर। अब इसमें देखें ये हमारे पास ये भी फोर है ये भी फोर है, ये स्क्वेयर का स्क्वेयर है ये स्क्वेयर का स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर या हमारे पास क्या बनना चाहिए फोर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो हम यहां फोर लेंगे और साथ यहां एक माइनस कर देंगे, ये बन गया हमारे पास ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्वेयर स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर टू ए बी, तो यहां बन जाएगा हमारे पास फोर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये प्लस था तो यहां माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये बन गया। तो अब ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया, ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्वेयर
होल स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। अब अगेन हमारे पास दो स्क्वायर है, एक सेंटर में माइनस है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, फोर एक्स फोर प्लस 81। अब ये भी हमारे पास स्क्वायर है, ये बन गया 2x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये बन गया 9 स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला क्या है, 2ab, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 9 दो 18, 18 दो 36, यानी कि 2ab, 2 फार्मूले का, और a ये और a b हमारे पास क्या बन जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर और माइनस 36 एक्स स्क्वायर, यानी हमने 36 एक ऐड भी कर दिया और एक माइनस भी कर लिया। ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया, ये बन गया 2x प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 6 एक्स होल स्क्वायर। तो एक दफा माइनस एक दफा प्लस, 2x प्लस 9 माइनस 6x, 2x प्लस 9 प्लस 6x, ये हमारा आंसर है। अब फाइव पार्ट है, तो ये फाइव हमारा है, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25, तो एक्स फोर इसका स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 25 फाइव का स्क्वेयर प्लस, अब इन दोनों का फार्मूला हमने क्लोज किया तो ये बन गया 10x स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, तो टू फार्मूले का a एंड b 10x स्क्वेयर। अब यहाँ हमारे पास क्या अकेला x स्क्वेयर है, तो 10 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि हमने 10 में से 9 निकाला तो ये बन जाएगा, यानी कि हमने 10 ऐड कर लिया माइनस 9 कर दिया। अब ये जो 3 है ये फैक्टर पूरा बन गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, 3x का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर बन जाएगा ये, यानी कि हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया, यानी कि इसको क्लोज कर लिया। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3x, फिर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 3x। अब हम इसको वेरिएबल पहले लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हमने वेरिएबल तरतीब लगा ली। सिक्स पार्ट, एक्स फोर प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड प्लस क्या बन जाएगा 2ab प्लस 2ab, ये तो ये हमारे पास क्या बन गया 28 8x स्क्वेयर 2ab 8x स्क्वेयर, यहां हमारे पास क्या है 4 है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वेयर, यानी कि हमने क्या किया 4, ये 8 में से 4 निकाल लेंगे यही बच जाएगी। अब ये यहां से यहां तक फार्मूला पूरा, x प्लस 4 स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, अब दो स्क्वेयर दरमियान माइनस है, ये बन जाएगा x प्लस 4 माइनस 2x x प्लस 4 प्लस 2x, इसको तरतीब लगा लेते हैं, x माइनस 2x प्लस 4 एंड x प्लस 2x प्लस 4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास ये तीन टर्म दी गई हैं, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब हमने यहां देखना है कि ये देखें, इस पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई 48x2। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको हम
मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाए, और उन्हीं को ऐड करें या माइनस करें तो ये बन जाए। अभी देखिए, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48, 8 जमा 6 जमा 8 14 हो गया। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 6 48, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 6 कॉमन आ गया इसमें, प्लस 8 एक्स प्लस 6। एक बात और नोट कीजिए, जो इस ब्रैकेट में है वो ही यहां बन रहा है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। तो एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 6 ये हमारा आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। देखिए अब 108 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 108 एक्स स्क्वायर, 12 ज़रब 9 108 और 12 में जमा 9 करें तो 21 बनता है, तो ये बन जाएगा माइनस 9x माइनस 12x जमा 108। एक्स इसमें कॉमन है तो x माइनस 9 माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 9 12x 12 9 108, तो x माइनस 12 और x माइनस 9 ये हमारा आंसर। तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब देखिए अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 42x² हो गया, 42x² हो गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस 3x, 14 में से 3 निकाल दिए 11 बच गया, और 14 को 3 से ज़रब करें 14 3 42, तो माइनस 42। अभी देखो इन दोनों में क्या है, इसमें x कॉमन है, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन x माइनस 14, x प्लस 3 x माइनस 14 ये हमारा आंसर है। फोर पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, 11 ज़रब 12। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन x प्लस 12, x माइनस 11 ये x और 11 एक फैक्टर बन जाएगा, x प्लस 12 ये दोनों में से एक आ जाएगा, ये हमारा आंसर है।